अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग अतीका गजल की दुनिया। सो फ्रेंड्स, आज हम सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं और आज हम जा रहे हैं कहते मम्मा की मेडिसिन लेने, क्योंकि यार आज बिजी डे है। आज हमारा काम का डे है, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आप जब क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे जाते हैं और कहाँ जाके मेडिसिन लेते हैं, आपको सब दिखाएंगे। ठीक है, सो चलो निकलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और चलते हैं। अभी देखते हैं कैसा है बाहर का मौसम और क्या सूरत हाल है। चलो चलते हैं। गाइस, हम निकल चुके हैं घर से, तो हमारे यार गर्मी है यार, एसी भी खराब हो गया हमारी गाड़ी का, तो इस वजह से शीशे खोल के जाना पड़ रहा है। बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी हमारी। तो हम जब गए थे लास्ट टाइम हैदराबाद, तो तब एसी सही था, पर हम गए जब यहाँ आके गाड़ी स्टार्ट की तो एसी वर्क ही नहीं किया, तो चेक वगैरह कराया, उन्होंने कहा गैस वगैरह लीक हुई है, पर हम इसको डलवा नहीं सकते थे ऐसे ही, क्योंकि कहते हमें पता ही नहीं कि यार ये लीक क्यों हुई है। उसके लिए भी वहाँ पर जाना पड़ना था, वर्कशॉप पूरा पूरा दिन लगना था, और उसके अलावा गर्मी इतनी थी, मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा मौसम सही हो जाए फिर, पर मौसम सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बस ऐसे ही चल रहे हैं गर्मी में, कोई नहीं, जलालत वाला दिन है आज। जलालत वाला दिन है तो एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ी सी जलालत लाइफ में, थोड़ा सा मौसम सही हो जाए तो शायद छाव हो जाए। हवा चल रही है, हवा चल रही है, पर कहते हैं इसमें धूप की वजह से ना थोड़ा सा हो रहा है, तो अभी हम चलते हैं। ठीक है, किसी दिन आपको यार पूरा सोसाइटी का ना राउंड भी लगवाएंगे, है ना। हाँ, और दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, क्या कैसे घर बने हुए, है ना, सारे घर भी विजिट करवाएंगे आपको, प्रॉपर्टी दिखाएंगे आप लोगों को हम। ठीक है, फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस टाइप का घर चाहते हैं। यहाँ पे हर किस्म का घर है जिस तरह का आप चाहते हैं। तो ये देखें, अभी सफाई हो रही है यहाँ की, रोडों की सफाई कर रहे हैं बेचारे, गर्मी में देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं। ठीक है, लोग जा रहे हैं पागलों की तरह, जैसे मतलब कुछ बंट रहा हो शहर में, ऐसी भीड़ लगी हुई है शहर में, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे मर मर के चल रहे हैं ये लोग, कुछ समझ ही नहीं आ रहा इन लोगों का। तो मतलब हम लाहौर आ चुके हैं, लाहौर में हम एंटर हो गए। ठीक है, हाँ, अब पता नहीं कैसे जाएंगे आगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रश है, इतना रश किया हुआ है ना इन लोगों ने, पता नहीं क्या करते हैं ये यहाँ पर। तो बस देखो उस तरफ कितना ट्रैफिक है, मतलब ओह माय गॉड, और इधर तो अलग ही सीन है भाई, क्या करें। इसलिए हम लाहौर नहीं आते यार, इसलिए नहीं आते हम, शहर नहीं आते। हाँ मतलब शहर नहीं आते, लाहौर में तो रहते हैं मतलब इस शहर में नहीं आते, ये जो शहर है ना ये मेन शहर है। हाँ तो बस क्या करें। तो गाइस, ये माल रोड को देखो कितना ज़्यादा रश है, यहाँ पर आने का दिल ही नहीं करता। हाँ तो वो या अल्लाह, कैसे रहते हैं लोग यहाँ पर। हाँ इंशाल्लाह टाइम मिला तो आएंगे, वरना डायरेक्ट घर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये है सबसे ब्यूटीफुल सी रोड, ये लाहौर की सबसे अच्छी और ठंडी रोड है, इसका रोड का नाम ही है ठंडी रोड। ठंडी रोड, ठंडी मतलब ठंडी ठंडी ठंडी, बस हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, और मैंने ना आप लोगों से एक और बात करनी थी कि रजब भाई जो है ना वो चले गए हैं, उनकी फ्लाइट थी, हम मिल नहीं पाए उनसे लास्ट टाइम, तो वो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो फिर हम मीटअप रखेंगे, हम जाने वाले थे लेकिन अचानक वो चले गए, उन्होंने मतलब हमें बताया भी नहीं, फिर बाद में गज़ल आप ने बताया कि वो जा रहे हैं, तो फिर हमें पता लगा। तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, बहुत ही जल्दी आएंगे रजब भाई, ठीक है, और उनके ब्लॉग्स भी आएंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, तो बस नहीं छोड़ सकते वो, होना ही छोड़ेंगे, डोंट वरी। तो चलते हैं अभी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताना था ताकि आप लोगों को भी बता दूँ कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि आप मिले नहीं, तो उस वजह से मैंने
आप लोगों को मैं बता रही हूँ। हाँ, मिलने नहीं गए आप लोगों को, पता कि पहले वो गए हुए थे बापू, उसके बाद जब आए तब तो ये हादसा हो गया, गोलियों वाला टाइम ही नहीं था, तो बस इस वजह से। तो कोई नहीं, चला मिलेंगे जरूर, जल्दी मिलेंगे, हो सकता है शादी पर भी जाएँ। हाँ तो इंशाल्लाह चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी यार, पता नहीं क्या ही होने वाला है यार। चलते हैं ठीक है, हॉस्पिटल आ चुके हैं। इतना यार यहाँ पे मेडिसिन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छा भाई मिल गया, तो उसने मेरे से कॉपी ले ली है, तो टोकन दे देगा, शायद दवाई भी दे देगा। हाँ। टेंशन खत्म। तो हम दवाई लेके फिर घर चलते हैं, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा रश है। सो फ्रेंड्स, शादमान आए और कौन ना खाए यहाँ की फेमस, तो क्या फायदा यार शादमान आने का। तो अभी हमने एक कौन लिया है, तो गाइस अभी मैंने अपनी आइसक्रीम ले ली, ठीक है, जल्दी से इसको खाती हूँ, जितनी ये धूप है ना ये पिघल जाएगी दो मिनट में। यार मैंने इसे ही ली क्योंकि रश बहुत ज्यादा है, मैं इसको बजा के दे दूंगी गाइस, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, तो मैं दे दूंगी अपनी अतिका को, हम चेट कर ही लेते हैं। तो चलते हैं यार, बहुत गर्मी है, व्लॉगिंग ही नहीं हो रही। व्लॉगिंग तो दूर की बात, हम गर्मी से ही है, रात को व्लॉग जो बना लेते वही सही है। हाँ यार, बाहर निकलने वाले हालात नहीं है। 2000 years later. हम घूम फिर कर आ चुके हैं अपने रेस्टोरेंट में, जो कि हमारा यार फेवरेट रेस्टोरेंट है, हमारा। सो फ्रेंड्स, कहते हैं अभी हम आ गए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारी हालतें हमारी शक्लों से तो आपको पता चल ही रहा होगा ना। और अभी यानी कि मैंने अपनी उतार के रख दी है, तो अभी हमने यहाँ की मुंबई है फेमस दाल माश, साथ रोटियाँ, साथ कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ का एक फेमस अचार है सलाद, बहुत ज़्यादा अच्छा, तो वो भी मंगवाया। पानी आ गया, पानी पीते हैं। यहाँ का खाना हो रही है साइलेट जो है ना यार, ये सलाद जो है प्याज का बहुत ज़्यादा मज़े का है, मैं जब भी आती हूँ इसी ले आती हूँ। और ये देखें, और इसका खाना खाते हैं, फिर बात बताएगी आपको घर जाके, ठीक है। सो गाइस, हम अपनी सोसाइटी में पहुँच गए फाइनली। यार हमारी सोसाइटी में इतनी हवा चल रही है ना, मैं बता नहीं सकती, मतलब उधर शहर में मतलब इतनी गर्मी थी ना, मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे देखो मेरी शर्ट कैसे हिल रही है, देखो बहुत ज़्यादा हवा है यहाँ पर, माशाल्लाह होते ही ऐसे आ रही है। अब हम भाई सोसाइटी से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, कमरे से भी बाहर नहीं जाएंगे यार, बहुत ज्यादा धूप इतनी लगी है, ऐसे चुभी है ना स्किन पे, मैं बता नहीं सकती। मैं नहा के गई थी, मैं दोबारा नहा के आई हूँ पसीने से, ब्लॉग भी खत्म हो गया, सन तो खत्म नहीं, सन तो अभी है लेकिन ब्लॉग जो था वो खत्म हो गया हमारा। तो गाइस बस अभी चलते हैं घर, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है यार कसम से, हिम्मत है लोगों की जो निकलते हैं बाहर। आज का पूरा दिन जलालत के नाम, तो क्या शुक्र है कि आज काम जल्दी हो गया। हाँ, जल्दी जल्दी सोचा था उससे एक थोड़ा काम भी हो जलालत। हाँ, क्योंकि आज मतलब हम दोनों थे ना, मतलब इतना हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ा, और बस थोड़ा बहुत दवाई भी जल्दी मिल गई हमें। हाँ, दवाई भी उन भाई ने, जो मतलब एक दो काम थे वो भी हो गए, खाना वगैरह भी खा लिया टाइम से। यस, अभी गई, बस अभी चल रहे हैं। ये मेरा घर बन रहा है, ठीक है, ये बन जाए तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है, पूरा होम टूर दूंगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को। एक ये भी घर बन रहा है हमारा, तो एक ये भी है, ये मैंने तो सेल पे दिया हुआ है कि अगर आपको लेना है तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब बहुत सारे घर बन रहे हैं। हां ये भी है, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना, ये रक्षा मत नहीं भाई। तो अभी हम चलते हैं, ठीक है, इतना भी हमने नहीं बोलना कि भाई, तो अभी हम चलते हैं, ठीक है। ये अतिका का बन रहा है फ्लैट, दिखाने का मुझे फ्लैट चाहिए, तो बहुत जल्द हमारा इस तरह का आएगा यार, दिखा दो इस तरह का, तस्वीर ले ले इस तरह का, बस तस्वीर यार, ये हौसला नहीं रखती, मतलब ये लड़की जो है ना, इसी तरह हमारा भी रेस्टोरेंट आने वाला है बहुत जल्दी, इससे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह, इससे भी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह गाइस आप लोगों का साथ रहा और सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह, वरना कोई बात नहीं, जो नसीब में होगा इंशाल्लाह हम अपने काम पे करेंगे तो जरूर, चाहे वो थोड़ा देर से करें या जैसे भी करें, पर करेंगे जरूर। या आपसे मना फोन था, जो हमारी पब्लिक है जो भी से देख रही है वो एंड तक जब हम दिखाएंगे तो इंशाल्लाह ये भी लोग हम उसके दिखाएंगे अंदर इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं यार, बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे व्लॉगिंग नहीं हो रही मुझसे बिल्कुल भी, बस चलते हैं अपने वाले, बस 5 मिनट में घर होंगे। हां चलो। सो फ्रेंड्स, इस टाइम टाइम हो गया है रात के 10:30 का, और मैं 10 बजे उठी हूँ, और अभी मैं चाय बना रही हूँ, और कहते हैं अभी गज़ल देखें सोई हुई है। और कैसा लगा आप लोगों को, कहते हैं फ्रेंड्स व्लॉग, मैंने यार जल्दी से उठी हूँ, और व्लॉग वगैरह मैंने अपलोड करना था क्योंकि मैंने रेडी करके आज रखा हुआ था, क्योंकि सुबह हमने जाना था ना मेडिसिन लेने, तो मैंने मेडिसिन लेने से पहले ना व्लॉग एडिट कर लिया था, और मुझे पता था कि यार व्लॉग अपलोड करना है टाइम से,
तो इसलिए आज मैंने टाइम से व्लॉग अपलोड किया है। तो कैसे लग रहे हैं यार आपको डे डेली व्लॉग्स हमारे? और कुछ लोग तनकीद करने आ जाते हैं तो मैं इनको सिर्फ इग्नोर ही करूंगी। जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हमें रिस्पेक्ट देते हैं, हमारे दिल में उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत सारा प्यार हम करते हैं अपने सब टीका गज़ल की दुनिया की जितनी भी कहते हैं यूट्यूब फैमिली हमारी, उन सबसे मुझे प्यार है, ठीक है। सो अभी मैं चाय बना रही हूँ, बाकी कुछ लोग आ जाते हैं अभी भी, बेचारे क्या करें, उनको कोई टॉपिक जो नहीं मिलता तो कोई ना कोई टॉपिक ढूंढते हैं बेचारे व्लॉग के अंदर के यार क्या हम बोलें क्या नहीं बोलें। तो कोई नहीं यार, बोलते रहो यार, आप लोगों का हक बनता है, आप लोग नहीं बोलोगे तो फिर कौन बोलेगा। चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। सो अभी बस कहते हैं चाय बन रही है, चाय पीती हूँ और चाय बनाती हूँ और गज़ल को उठाती हूँ। यार अभी इस समय उठी हूँ तो अभी माइंड फ्रेश नहीं है यार व्लॉगिंग वाला, तो कहते हैं अभी चाय बनाते हैं फिर अंदर चलते हैं, गज़ल को उठाते हैं और देखते हैं आज क्या करने वाला है। यार आज तो पूरा दिन आपको पता ही है कैसा गुजरा है, मेडिसिन वगैरह लेके आना, तो भाई आज गुजरा पूरा दिन, तो देखते हैं आज क्या कर सकते हैं हम। सो गाइस ये है मेरी आईडी, चार दिल रुबाई, ये 4-5 दिन की मेहनत है इसकी सिर्फ, और आप लोगों का प्यार है, लव यू गाइस। मैं अभी नींद से उठी हूँ, उसने मुझे ऐसे उठाया, रात के 11 बजे उठी है, देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखें रात के 11 बज रहे हैं, अभी भी इसको नींद आ रही है, चाय सामने पड़ी हुई है और अभी तक ये 4 बजे सोई थी मैं, 4 बजे मैं भी 4 बजे सोई थी, मैं क्या रात के करते सुबह के 4 बजे कैसे उठ सुबह थी जल्दी यार, मतलब मैं सुबह से नहीं सोई तो यार मुझे सोने दो मुझे अपने, अभी लाइव बैठ गए बेटा, सोने वाली कोई बात नहीं है, बहुत मुश्किलात है हमारी जिंदगी में गाइस, मैं नहीं खेल रही। और हाँ यार कुछ लोग कह रहे हैं आपका ड्राइवर बड़ा बड़ा हिल रहा है, वो तो सबका हिल रहा है, तो हम क्या करें, हमारा भी हिल गया तो क्या हो गया, समझ रहे हो, समझ रहे हो। सो यार आप लोग कंटिन्यू रखो यार, आप लोग बोलोगे नहीं तो कैसे चलेंगे हम, बोलते रहो। तो गाइस अभी हमने ये शॉर्मा मंगवाया है और ये हमारी कोल्ड ड्रिंक, और साथ में मैं ड्रामा देख रही हूँ। तो गाइस बहुत ज्यादा भूख लग रही थी यार, कुछ नहीं खाया ना पकाया, इसलिए रात के कितने बजे खा रहे हैं, 2 बजे तो खाते हैं यार गरम गरम मजेदार। ओके गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज नींद वगैरह सही से ज़्यादा पूरी नहीं हुई तो गज़ल की तबीयत सही नहीं थी, तो उसके लिए कहते मैंने उसको कहा मैं रेस्ट करो, तो मैं भी सो गई थी। तो अभी बजे हैं कोई 5:30 और ये जनाब चुप करके उठ के ना करने जाके बर्तन धो रही है, बर्तन धो के चाय बना रही, मैंने जब उसको बोला है कि यार मैं बना देती हूँ फिर भी इतने आराम से चली गई है जब किसी तबीयत सही नहीं है, तो चलते हैं इसके पास। देखो इसके रखते सर पे दुपट्टा बांध के तो बर्तन धो रही है, जब तुम्हें पता तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो क्यों इस तरह कंट्रोल करते कर रही हो, नहीं जी ये बहादुर देखो कितनी है, देखो जरा एक पफ तो चेक करो कैसा निकाला हुआ इसने, बंद करो अपना भी लोग हैं अब अपना हो गया, ये देखो कितना लेके जा रही है आरती की थाली, साठ भी शाबाश बहुत कम कर लिया, ये मुझे कहती है मैं सोने लगी हूँ, ये सोने लगी है मुझे तो सुला दिया, खुद उठ के इधर उधर घूम रही है, फिर इसकी तबीयत खराब हो गई है, मेडिसिन वगैरह दी है और इस सुनती फिर कोई बात नहीं है मेरी, चल साइड पे अंदर जाके चलिए, चुप करके अंदर चलिए, चुप करके अंदर चल, शाबाश इसको अंदर भेजती हूँ फ्रेंड्स फिर बात करती हूँ, ठीक है। ये देखो मेरी कोई भी बात नहीं मानती यार, एक तो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है और अगर मैं सोई हुई हूँ तो ये मुझे उठाएगी नहीं, उल्टा खुद ही चली जाएगी, जब इसको पता है इसकी तबीयत सही नहीं है, मेडिसिन अभी ली है, रेस्ट करता बंदा, पर नहीं 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 इसको तो खुद ही चाय बनानी है, इसके सर में दर्द हो रही है तो है ना, अब प्यार से बात करो लोगों से, क्या कहेंगे लोग हैं, आप लोगों ने कहा हाँ ना नाराज हुआ करो इससे, आप बड़ी आप साइड लेते गुजल की हैं, बड़ी बात है यार, और हमने चाय बना ली यार, हमारे व्लॉग में चाय तो लाजमी बनेगी और आप लोगों को लाजमी चाय नज़र आएगी चाहे हम जितना मर्जी रोक लें। तो आज का भी पता नहीं यार क्या व्लॉग बना है, कैसा बना है, कुछ भी नहीं हमें पता, सारा रास्ते में ही बना है तो कुछ समझ ही नहीं आई, हम पहले मेडिसिन वगैरह लेने गए और मेडिसिन में आपको पता कितना ज़्यादा रश था,
तो एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से एसी भी हमारा ख़राब था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी हम कहते हैं उसके बाद एक दो काम और थे छोटे छोटे वो किए, उसके बाद खाना वगैरह खाया आपके सामने और सीधा वापस घर आ गए। तो आज का बस यही दिन था छोटा सा, है ना। तो इंसान जब बाहर जाता है ना तो यार कुछ भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं होता, तो इसलिए हम ज़्यादा कहीं बाहर जाते ही नहीं है कि यार व्लॉग आपको अच्छा सा मिल जाए। तो आप कोई नहीं इस व्लॉग में थोड़ा सजेस्ट करो यार, अगर आई नो कि अगर इतना ज़्यादा मज़ा आना है आप लोगों को इस व्लॉग में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में तो आएगा यार, डोंट वरी। तो इंशाल्लाह आपको वैसे डे डेली व्लॉग हमारे कैसे लग रहे हैं। कुछ लोग तनकीद करने आ रहे हैं वापस के, हाँ आपका व्लॉग कहते हैं अच्छा था पर इतना अच्छा नहीं, और मेहनत करें। यार मैंने तो अभी बोला ही नहीं कि मेरा कहते हैं व्लॉग कहते प्राय, मैंने तो अभी बोला ही नहीं कि मेरा व्लॉग परफेक्ट है जी, मेरा व्लॉग से ज़्यादा तो कुछ है नहीं। मैं तो यही कह रही हूँ कि हाँ यार हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा व्लॉग बना सकें, हमने ये बोला। हमने ये नहीं बोला कि हमारा ही व्लॉग परफेक्ट है भाई, हमने तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना दिया, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। हम कोशिश कर रहे हैं परफेक्ट, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ही होगा, एकदम तो नहीं होता। तो कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। माशाल्लाह से व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं ना, कोई नहीं इंशाल्लाह मेहनत तो लगेगी, मेहनत हमारी ज़ाया हुई है, हम इस चीज़ से नहीं इनकार करते, पर कोई नहीं अल्लाह देख रहा है। तो हमने अल्लाह पे हर चीज़ छोड़ दी है, जो जैसा करेगा वैसा पड़ेगा। सो अभी आपसे बात करती है गज़ल, कुछ ज़्यादा ही बातें कर लिया मैंने, क्या करें यार। मैं तो दो चार व्लॉग बनाती हूँ ना डेली, मतलब अगर हम डेली रूटीन पे आते हैं तो यकीन करें कि मुझे लगता है कि आप लोग शायद नज़र लगा दो तो क्या करते हो यार, गज़ल की तबीयत ख़राब हो जाती है। मैंने ये आजमाई हुई चीज़ है, जब भी हम कंटिन्यू व्लॉग करना स्टार्ट करते हैं डेली व्लॉगिंग, तो कोई ना कोई मसला आ जाता है, मतलब तीन चार व्लॉग के बाद ना गज़ल की तबीयत ख़राब हो जाती है। चाहे आप पूरे व्लॉग की हिस्ट्री में चेक कर लो कि तीन चार व्लॉग आएंगे उसके बाद गज़ल की तबीयत ख़राब, गज़ल बीमार या कुछ इस तरह का व्लॉग आ जाता है। तो देखिए आज फिर इस तरह हुआ, पर इंशाल्लाह इस बार कहते हैं हम व्लॉग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। और यही दुआ करना जो लोग कहते हैं गज़ल से प्यार करते हैं, और यार माशाल्लाह लाजमी बोल दिया करो नज़र मत लगाया करो। आई थिंक आप लोगों ने गज़ल को नज़र लगा दी है यार, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई है। और कुछ लोग तो यही चाहते हैं कि इनके व्लॉग आए हैं ना, पर हम बनाएंगे यार जो मर्ज़ी कर लो, है ना। बिल्कुल बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप लोग बस हमें सपोर्ट करो, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है एंड आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है हमें, तो ढेर सारा प्यार दे दो हमें, ठीक है। बिल्कुल, और जो जो अभी तक कहते बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर लो, शेयर कर लो, अपने फ्रेंड्स का शेयर किया करो। और कहते हैं इंशाल्लाह छुट्टी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर इसकी तबीयत खराब होगी तो मैं व्लॉग बनाऊंगी, और अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो ये व्लॉग बनाएगी। तो इंशाल्लाह व्लॉग हमारे अब लाजमी आएंगे, छुट्टी तो अब आने वाली ही नहीं है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जितना हमने इंशाल्लाह फोकस करना है आपके, हम छुट्टी ना करें, ठीक है। सो आप लोगों को मज़ा भी आएगा और इंटरटेनिंग व्लॉग होंगे, आप लोग खुद हंस हंस के पागल हो जाएंगे हमारे व्लॉग देख के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे आएंगे, तो ये नहीं कह रही कि हाँ यही वाला है फिर आप बोलो इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ये जो भी था हमने आप लोगों को दिखाया कि ये क्या करें क्या नहीं करें, मतलब ये आपको एक रूटीन हमने बताई, मतलब अपने दिन की। असल में आप लोगों को ही पता है कि डेली व्लॉग्स हैं, तो जब हम प्रैंक्स वगैरह नहीं करेंगे तब हम अपनी डेली रूटीन ही दिखाएंगे यार। हर टाइम प्रैंक्स वगैरह का तो हमारा चैनल नहीं है, डेली व्लॉगिंग का है। तो इंशाल्लाह डेली रूटीन में जो होगा, डेली लाइफ में हमारी जो चल रहा होगा, प्रैंक्स वगैरह और चैलेंज वगैरह भी साथ साथ चलते रहेंगे, पर ये चीज़ें भी साथ चलती रहेंगी जो हमारी डेली लाइफ में हमारी चीज़ें हैं, ठीक है। इनको तो नहीं इग्नोर कर सकते ना यार, जैसे सब दिखाते हैं वैसे हम भी दिखा रहे हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। देखो इसकी आवाज़ भी सारी ख़राब हुई हुई है यार, इसके लिए दुआ करो ताकि जल्द से ठीक हो जाए, और अगले व्लॉग में ही ऐसे कैसे बात करेगी फिर। ये जैसे अपने तरीके से बात करती है ना, मतलब मुझे बोलने नहीं देती व्लॉग में, फिर खुद ही इतना बोलेगी इतना बोलेगी, 10 मिनट तो खाली बोलने में ही लगा देगी, फिर आप लोग कहोगे यार इसलिए तो आप शायद नज़र लगा देते हो यार, इतना ज़्यादा हमने आपसे बातें की हैं ना इसलिए। तो इंशाल्लाह कोई नहीं यार, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, ज़्यादा बोर ना होना अब इतनी बातें सुन सुन के। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।